माथे पर ओलंपिक का टीका लगा ले मम्मी तब हमें चैन मिली। आज वही का आंसू उनके भी रहला हमें भी रहला। जल्दी जल्दी में क्या कुछ बात हो पाई? कुछ नहीं उन तम पैर भी नहीं छू पाऊना भैया जोन मन साहब घरे आके हुई। बहुत तेज से इंतजार कर रही थी अभी होता कि घरे आ जा बस बहुत खुशी हुई। मिठाई का पैकेट दे पाई? नहीं बस उनके लिए इतना ही बोलना चाहेंगे कि हम आपके लिए बहुत खुश हैं। बहुत ही ज्यादा हमारे पास वर्ड नहीं है जो हम अपनी खुशी आपके लिए बयां कर सके। ज्यादा लोग थे यहाँ प्रशंसक जी, हम तो आपसे बात जी नहीं बिल हम तो नजर भर के देख भी ना पाए उनको। बात तो करना दूर की बात जी, हम बहुत खुश हैं भैया आए वो भी पूरे 8 महीने बाद मेडल के साथ, जो हम सबका सपना था उन्होंने पूरा किया। अभी मिल पाए कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं मिल पाए, हम तो उन्हें देखे ही बस और वो देखते हुए ही चले गए, हम कहाँ मिल पाए उनसे। अब घर आएंगे तो फिर मिलेंगे फाइनली। जी बिल्कुल, हम लोगों ने पूरे घर को सजा के रखा है और हाई जोश देख रहे हैं आप यहाँ पे सबका। डांस वांस के साथ उनको और पटाखों के साथ उनका स्वागत करना है। आनंद भैया भैया दीपक भैया देखिए, हम सब लोगों को पता है कि अगर हम पूरे बनारस में किसी की कृपा है तो बाबा महादेव की, बाबा विश्वनाथ की है, तो हम उससे अछूते नहीं हैं। और अगर हम वहाँ तक पहुँचे हैं टोक्यो ओलंपिक में 40 साल का अगर सूखा दूर हुआ है तो केवल बाबा महादेव विश्वनाथ जी की कृपा है। इसलिए मेरा जब भी था कि मैं वहाँ ओलंपिक में गया था तो मेरा यही सोच था कि अगर मैं पहली बार मेरा ओलंपिक था और वो भी 40 साल बाद मेडल आया तो मेरा यही सोच था कि मैं जब भी जाऊँगा सबसे पहले मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा। तो बस यही मेरा सपना था। ललित जी, ये मोहम्मद शाहिद विवेक सिंह की धरती है, उन लोगों ने भी हॉकी के फील्ड में एक इतिहास रचा था, आप उन लोगों की परंपरा में कैसे आगे बढ़ाएंगे और हॉकी का कैसे केंद्र बनाएंगे? देखिए, हम तो खेल के बढ़ाएंगे लेकिन ये भीड़ और ये जनता लोगों का प्यार ना ये बता देगा कि केवल क्रिकेट नहीं है, अब सब स्पोर्ट्स पर्सन के दिल से रिस्पेक्ट है। बस मेरा मैं एक माध्यम बनाऊं हॉकी को ऊपर लाने का, जो लोगों के दिल से हॉकी का प्यार कम हो गया था, मैं पूरे दिल के साथ बोल सकता हूं कि हॉकी ऊपर आएगी, अब लोग हॉकी खेलेंगे और ज्यादा ज्यादा मेडल लाएंगे। वाराणसी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, आखिर इस खेल के बारे में और काशी की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने बनारस को ऑलमोस्ट चेंज कर दिया है और उसके साथ ही के साथ उन्होंने हॉकी को जो ये मेडल का पुरस्कार दिया है वो ये है
कि उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड चेंज करके उसमें मेजर ध्यानचंद का खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो इससे बड़ा हॉकी को एक और उपलब्धि नहीं मिल सकती। और बनारस में सबको पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है सब विकास, सब साथ में देख रहे हैं। पहली बात तो पूरे प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रशासन ने पूरा इतने क्राउड में इतना मतलब इतना प्रॉब्लम होते हुए भी मुझे इतना अच्छे से वेलकम किया। और उसके साथ साथ जितने लोग यहाँ पे आए हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, हॉकी को इतना प्यार दिया और हॉकी को ऊपर लाने के लिए उन्होंने सबका सपोर्ट देखा। इवन आप भी देख सकते हैं कि इतने भीड़ में लोगों ने अपने कैसा प्यार बरसाया इस मेडल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं लोगों को बोलना चाहूँगा। हॉकी इतना पिछड़ते जा रहा था, एक बार फिर लोगों की उम्मीद जगी है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहता हूं? मैं युवाओं को ये संदेश दूंगा कि अपना सपना देखें और सपना को पूरा करने के लिए जी जान तोड़ मेहनत करें, क्योंकि जब तक आप खून पसीना नहीं लगाएंगे तब तक आपको नेम और फेम कुछ नहीं मिलेगा। और उस चीज़ के लिए आपको तहे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी खेल व्यवस्था की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि अगर योगी जी की जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, हम ओलंपिक जाने से पहले भी मुझे प्रोत्साहित किए थे। हम लोग ने वेबिनार कॉल किया हुआ था सबको, वो सभी जितने भी प्लेयर्स जा रहे थे यूपी, सबको कॉल किया था। और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इतने अच्छे, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे मैच हारने के बाद भी उनका डायरेक्टली ड्रेसिंग रूम में फ़ोन आया था, हम लोगों को सपोर्ट किया था। इससे बढ़ के हम क्या बोलूँ। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो मैं मेडल लाया हूँ, एक्चुअली ये केवल एक मेडल नहीं है, ये हमारे अरबों की जो संख्या है उसकी, लोगों की सबकी उम्मीदें हैं जिसपे हम लोग खड़े उतरे हैं।